स्टार कपल रेडी हो चुका है बहुत बढ़िया मोबाइल में कुछ कमेंट वमेंट ढूंढते हुए। हाउ आर यू ऑल डूइंग? वेरी गुड इवनिंग फ्रॉम दुबई। चाका जाम मात्रा में हम लोग सब जा रहे हैं दुबई मॉल, बुर्ज खलीफा और फाउंटेन शो देखेंगे और लेजर शो देख। फाइनली मुहूर्त निकला है, कल का मुहूर्त निकल गया था, आज का मुहूर्त हमको मिल गया है। तो हम लोग सब बराबर एकदम चकाचक रेडी होके गाड़ी का वेट कर रहे हैं। अभी टैक्सी में भग लेंगे, मेट्रो में नहीं जाने का है क्योंकि वो टैक्सी में और मेट्रो में सेम ही हो रहा है, सिमिलर हमारा खर्चा हो रहा है। तो डोबरिया जी हमारे बहुत बड़े कार्यकर्ता है यहाँ पे, जो गिने चुने कब हुआ नहीं मतलब कब हुआ आप जो कैलकुलेट कैलकुलेट करते हो ना, तो अच्छा कैलकुलेट करते हो, हमको अच्छा लगता है। आई एम गुड एट मैथ। यस यस, यू थिंक सो? वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो आज क्या कीजिएगा? शॉपिंग वॉपिंग कीजिएगा? हाँ हाँ कीजिएगा, दुबई मॉल कीजिएगा, दुबई मॉल कीजिएगा। और बहुत बढ़िया मात्रा में हम लोग अच्छे मूड में निकल गए हैं। मैंने और सारिका ने ब्लैक ब्लैक पहना है। जो सारिका यहीं आए तो ब्लैक में ही है, तो मैं और सारिका ऐसे ब्लैक ब्लैक में आ गए हैं। माय सोल हैज विंग्स ऐसे लिखा है। ये सभी कपड़े खत्म हो गए, कपड़े खत्म हो गए, वहाँ से ले लूँगा एक दो जोड़ी तो ले ही लूँगा। चलो अपनी गाड़ी आ गई है। सबसे बड़ा फायदा ये होता है, डिक्की में सब सामान आ जाता है, मेट्रो में ट्रैवल करने में ये मजा नहीं आता है। Esta mi despedida, vete con el que te hundía. Suerte que ya no eres mía, yo ya no te aguanto, no. Esta mi despedida, vete con el que te hundía. Suerte que ya no eres mía, yo ya no te aguanto. तो जी आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ। ये देखो ये सब है ना, अभी लेफ्ट घूमने वाले लोग हैं, ये लाइन में खड़े। अगर हमारा इंडिया होता ना तो उधर वो जो टैक्सी गई ना, वहाँ पूरा घूम के आगे चले जाते, वो पता नहीं चलता लाइन में कब से खड़े हैं, वेट कर रहे हैं। भाई आप यहाँ पे ऐसा नहीं होता है ना भाईजान? यहाँ पे 400 दिरहम का फाइन है अगर वहाँ से लेफ्ट। 400 दिरहम लाइन डिसिप्लिन तो 8,000 रुपए, सॉरी 8,000 रुपए का फाइन लग सकता है। सही बोले, ना कन्फर्म लग जाते हैं। तो ऐसा किसी का इधर काटने का नहीं, हमारे इंडिया में ऐसा रूल लेने का मांगता है, ऐसा वो रूल आ जाएगा ना तो सब ऐसे सीधी। और वो रूल भी वराछा रोड पर, वराछा में तो पहले हमारे घर के पास वराछा एरिया में पहले थी। इंडिया में रूल्स तो है लेकिन फॉलो करने के लिए हिम्मत चाहिए। हाँ, एक ने फॉलो किया तो ये देखो पढ़ा लिखा है। अरे वहाँ तो वो क्या, हमारा तो वहाँ पे वो सिग्नल पे भी कोई खड़ा नहीं था। डोको का और भी भागते है, भागो भागो, फॉलो करने जाएंगे तो उसको फॉलो भी नहीं करने देंगे। हाँ, उसको बिगाड़ देंगे ना। ऐसे करके बगाड़ते है, क्या पोगा ही नहीं, इंडिया ने पब्लिक को पहुंच नहीं सकते, वो बहुत लेवल अप है, प्रो लेवल हो गए। अच्छी बात पूरे पूरी। हमारे सूरत में मेट्रो बन रहा है अभी, अभी देखते हैं वो मेट्रो बन जाएगा उसके बाद कौन कितना फॉलो करता है। सूरत में सब जगह केसरी कलर ही लगवाना चाहिए क्योंकि पान मसाले से तो कर ही देते है, वैसे सरकार को थोड़ा खर्चा कम हो जाएगा, सब जगह केसरी कलर करवाएंगे। I'll get there.
बर्थडे के दिन पे आपको हार्दिक जी ने बहुत अच्छी ये बहुत बढ़िया सी सरप्राइज दी है, तो आप क्या बोलना चाहते हो? थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट, और कई साल आप मेरे को और इतने सारे सरप्राइज देते रहे और खुश करते रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम्हारे हस्बैंड ने पूरे बुर्ज खलीफा पे लिखवा दिया हैप्पी बर्थडे। ये खर्चा नहीं किया होता तो अमेरिका जा पाते। अभी आप लोगों में से व्यूअर में से जितने लोगों की बर्थडे है ना भाई, हैप्पी बर्थडे देख लो भाई हमारी तरफ से। ढाका जाओ तो जी, यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा बहुत ही बढ़िया सा फाउंटेन और लाइट शो का ट्रिप। चिराग चिराग भाई तो पूरा बोबड़े ही गए हैं, चल चल के बच्चे को ऊंचा ऊंचा के। ये देखो बैकड्रॉप कितना बढ़िया आ रहा है। डोबरिया मजा आई बहुत, थक गए हैं चल चल के, सबके ढे हो गए हैं टाटिए है। सारिका का ड्रीम कम ट्रू हो गया है। सारिका ऐसा लग रहा है सब कुछ जो नजारा है ना वो हम आँखों में भर के जाए। थक ही गई है हमारी आंखें लेकिन मन नहीं भरा है। मेरी तो आंखें पैर सब थक गया है, मेरी तो आंख भी लाल हो गई है पूरी। चल चल के ऐसा लग रहा है कि अभी खत्म हो। ब्यूटीफुल बहुत है। चलो चलो चलने का स्टार्ट कर दो भाई लोग, बहन लोग, फ्रेंड लोग, फैमिली लोग, पूरा चाका जाम मचा डाला। कितने सालों से ऐसे मिस करे, टीवी में देख रहे थे, अभी लाइव देखने के बाद मन में भर के जाएंगे फीलिंग्स को। यादें, दुबई की यादें। तेरा तो बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया पहले ही। प्री बर्थडे सेलिब्रेशन। यस, आज नाइट आज मतलब 12 बजे। क्या नजारे है भाई, लुक एट द विजुअल्स। अभी भी तेरा तो मन नहीं भरेगा क्योंकि अभी जो चम चल के निकल रहे हैं तो ये बैकड्रॉप इतना अच्छा लग रहा है हमको पीछे से। yes, पूरा ऐसे लाइटिंग ही रहता है, दिवाली का माहौल अभी क्रिएट हो गया, उनाले में दिवाली आ गई है। नहीं, हम लोग समर में आए हैं तो इतनी भीड़ है। देखो हम विंटर में मतलब की सीजन में आते हाँ तो कितनी सारी भीड़ भीड़ होती है। भीड़ का बिना का टाइम है। नजदीक से हमें देखने को भी नहीं मिलता बच्चों के साथ हाँ, लेकिन अभी बहुत ही मजा आया। अभी शाम का टाइम में घूमने का बहुत ही मजा आता है। ये सही और, बात है। और कम भीड़ रहती है तो ज्यादा मजा आता है। हाँ, और हमारी ये जो देखो पूरा ढक के सो गई है, उसको तो इतना मजा आ रहा है, बोलते पॉपकॉर्न खिलाओ, कब के उसको पॉपकॉर्न ही खाने का। कुछ खिलाते हैं बच्चों को। और गाइस आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो शो होता है वो 7 बजे स्टार्ट होता है, एवरी हाफ एन आवर, 7, 7.30, 8, 8.30, 9, 9:30, 10 और आई थिंक 10:30 बजे तक जाता होगा। गूगल में लिख लो, आपको टाइमिंग पता चल जाएगा। 5 मिनट तो 5 मिनट चलता है और उसमें आपको फाउंटेन शो भी दिखता है और लाइट शो भी दिखता है। कभी कभार इसमें लाइट में कुछ अलग अलग आपको मैप भी मतलब मैप नहीं फ्लैग दिखाएंगे, ऐसा कुछ अलग अलग होता है। बट ऑल एंड ऑल इट इज़ रियली गुड। बराबर। तो जी रात के बज चुके हैं 10 और हमारे डोबरिया जी थोड़े ज़्यादा ही टेंशन में है क्योंकि उनका वॉलेट टैक्सी में रह गया है। मेरा वॉलेट। जैसे ही हम लोग टैक्सी से बाहर निकले, मॉल के अंदर घुस गए, वो टैक्सी वाले का कॉल आया। वो भाई बोलते हैं कि आपका कोई कीमती चीज़ रह गया है। मैंने बोला हमारा तो कुछ रहा नहीं है। तो आगे कौन बैठा था? मैंने बोला वो मेरा फ्रेंड है। उन भाई का वॉलेट मेरे पास है। तो भाई इसको तो शौक लग गया, बहुत बड़ा शौक लगा। क्रेडिट कार्ड ये वो सब अपना काम का सब चीज़ उसमें दब गया है। तो अभी फटाफट उसने सामने से फ़ोन किया कि आपका वॉलेट रह गया। पर कुछ कुछ इंडिया में भी अच्छे ड्राइवर हैं जो सामने से कॉल कर देते। और ये भी है कि भाई अभी दिलदारी बढ़ रही है और समझदारी भी अच्छी हो रही है, तो दुनिया में हर जगह पे आपको अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं। तो सीख मिलती है कि भाई पेशेंस रखने का और चीज़ भूलने का नहीं। बराबर से भूलने का नहीं अभी। हाँ, खाने का तो बहुत इच्छा हो रहा है अभी। सीखे कुछ इसमें से। सीख गए अभी खाने। अभी मेरे को लगता है होटल वोटल सब बंद हो जाएगा, अभी कुछ मिलेगा नहीं, लेट ही हो गए हैं। तो 10 बज गए हैं, क्या कीजिएगा बताइए? खाना तो पड़ेगा। क्या खाएंगे? जो भी मिले खा लेंगे। पर क्या मिलेगा अभी? 12 बजे तक खुला। 12 बजे तक सब भी लपेटेंगे। नहीं, अभी सब फ्रूट से पेट नहीं भरेगा। अब तो भाई कुछ हैवी ही चाहिए। फ्रूट खाएंगे ना तो ज्यादा भूख लगेगी। हाँ, और यहाँ पे हमारे कनिष्क जी निंद्रावस्था में अभी चले जाएंगे। उसको अभी नया हमने टेक्निक ढूंढ लिया है, खड़े खड़े ऐसे ऐसे करने का। चक्का चक। हूँ क्या सारिका जी? बढ़िया, वेरी गुड। सारिका आपका आपको मतलब वो एक्वेरियम कैसा लगा हमने जो दिखा? वो बहुत एक्वेरियम क्या, बहुत ही ज्यादा, बहुत सब कुछ इतना ब्यूटीफुल। एक्वेरियम भी मैंने शार्क वैसे तो पहली बार ही देखी। मम्मी शार्क, डैडी शार्क, सब कुछ देख लिए, बहुत ही ब्यूटीफुल। हेजो को पूछेंगे। हेजो, हेजो एक्वेरियम में कई कई फिश जोए बेटा? शार्क। शार्क जोई थी, પછી બીજું શું હતું? વન શાર્ક, વન કારફિશ, વન કેટફિશ,
પછી સ્ટારફિશ જોઈ હતી પછી બીજી કઈ ફિશ સ્ટારફિશ હા વન યલો ફિશ બેબી ફિશ હે બેબી ફિશ જોઈ હતી પછી તને બધા શાર્ક બેબી ફિશ તને બધા કરતા વધારે કઈ ફિશ ગમી ફેવરેટ ફિશ કઈ હતી તારી શાર્ક ફિશ ગમી ઓકે નહીં શાર્ક ફિશ નહીં તો ઓલો આ મોટે નહીં સ્કેટ ફિશ ઈસી તને ગૂગલ મે નામ ઢૂંઢ લિયા થા હે ને સ્કેટ ફિશ બઢિયા હૈ ચલિયે તો યહાં સે અભી હમ જાયેંગે બચ્ચે લોગ ભી અભી પરેશાન હો રહે દેખતે અભી ફટાફટ હમારા ડ્રાઈવર સાહેબ આ જાય હમારે યે વ્લોગર કા મુંહ લંગા ગયા હૈ ગલે જાય ગલે ટેસ્લા કી લાઈટ આ રહી હૈ તેરે મુંહ પે બઢિયા લાલ કલર સનેડો વોલેટ દેખ લીજીએ ભાઈ ઓ માય ગોડ મે પેમેન્ટ કરને મે નિકાલા ફિર યહાં રખ દિયા બસ વો શુકર કરે કોઈ ઓર કસ્ટમર નહીં બેઠા થા ઉસ ટાઈમ થેન્ક યુ ભૈયા થેન્ક યુ સો મચ ભાઈજાન તો જી બચ ચુકે હૈ રાત કે 11:30 પહોંચ ચુકે હૈ ઘર પે ये था हमारा आज का थोड़ा सा ट्रिप जैसे कि आपने गाड़ी में देखा डोबरिया को उसका पर्स मिल गया सही सलामत थैंक यू सो मच फॉर द दुबई ड्राइवर और हमारा चलने का सिलसिला बहुत ही एक्सट्रीमली प्रो लेजेंड मात्रा में था तो चल चल के टाँटिए टूट गए हमारे मॉल पे तो हमको बोला ही गया था कि आप मॉल पे जाओगे तो चलना बहुत पड़ेगा इसी के साथ ये वीडियो को हम लोग इधर ही कंटिन्यू करेंगे कल मॉर्निंग में ठीक है चलिए बाय बाय गुड नाइट तो जी मॉर्निंग हो चुके हैं गुड हम लोग निकल चुके हैं जाने के लिए बहुत बढ़िया जगह पे भाई हमको ऐसा लगा था कि हम लोग कल की तरह आज भी सुबह उठ जाएंगे पर आज हम लोग उठ नहीं पाए क्योंकि कल का थकान ही इतना ज़्यादा था ना तो अभी जा रहे हैं डे टू डे में हमको एक सब्सक्राइबर मिले हमको आके हमारे होटल पर और उन्होंने बहुत अच्छा सजेशन दिया उन्होंने ऐसा बोला कि आप जाइए डे टू डे में आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखेंगी सब कुछ मिलेगा बच्चे बूढ़े सबके लिए आपका टाइम भी अच्छा स्पेंड हो जाएगा और मॉल है तो एसी भी होगा और ठंडक भी रहेगा तो बच्चे लोग और बीवी लोग और वो सब सब्सक्राइबर लोग की गाड़ी में जा रहे हैं और हम लोग चल के जा रहे हैं क्योंकि वो गाड़ी में मैंने सोचा कि बच्चे लोग पहुंच जाएंगे ना तो मेरा सांस फूल गया अभी मैं नहीं बोल रहा सब्सक्राइबर के हाँ लोग का प्यार है प्यार है आप लोगों का यार मिलने आए वो एक घंटे तक हमारा वेट कर रहे थे वहाँ पे दोहताओ तो थैंक यू सो मच और राजस्थान नहीं राजकोट थे राजकोट और पोरबंदर वाले थे और अच्छा लगा मिलके दुबई की ही है और थैंक यू चलिए अभी वहाँ पे जाके देखते हैं डे टू डे में क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है चलने का स्टार्ट कर दिया है 2 किलोमीटर है बस तो, हाँ इतना तो चल ही लेंगे 2 किलोमीटर में आधा घंटा क्यों दिखा रहा है वो तो अपने वॉकिंग का स्पीड के हिसाब से दिखा रहा है हम तो वॉक करते टाए है चल के तो टाए हो गए हैं तो जी दोपहर के बज चुके हैं वी डोंट नो 4 बजने वाले होंगे 4 बज गए हम लोग शॉपिंग करके आए हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में डे टू डे में तो यार मचा ही डाला पूरा सस्ते में अच्छा माल मिल गया मैंने तो एक बैग ले लिया थोड़ा बहुत शॉपिंग किया थोड़े चप्पल लिए कपड़े तो सारी काने लिए होंगे कि नहीं लिए मेरे नहीं पता नहीं है बच्चों के लिए अच्छा रहा अभी देखते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं मैं तो सोच रहा हूँ कि अभी कहीं पर जाए नहीं बट घूमने आए हैं तो रूम पर तो रह नहीं सकते खोल दीजिए दरवाज़ा खोल दीजिए सो गया थक के थाबड़ा हो गया है बच्चा हमारा अभी मैं तेरे को ये पूछने के लिए आया हूँ इशिता का कल बर्थडे है तो इशिता को पूछेंगे तू क्या कह रहे तेरे को क्या चाहिए तेरे हस्बैंड से कहाँ जाना है शांति चाहिए हस्बैंड से आई डोंट नो मुझे कुछ पता नहीं वो सरप्राइज प्लान करेगा ना मैं क्यों डिसाइड करूँ ओ सरप्राइज प्लान करने का है तेरे को करना पड़ेगा क्या कीजिएगा तात्कालिक अभी दुबई इन्फॉर्मेशन डेस्क को कॉल करना पड़ेगा 911 को तो सरप्राइज तो देंगे उसके पहले मैं सारिका को पूछूं तेरी फ्रेंड का बर्थडे है तो क्या दीजिएगा शांति तो पॉसिबल नहीं थी शांति क्योंकि बच्चे लोग साथ में हैं तो शांति तो नहीं मिलेगी मिलेगा कुछ और बहुत बढ़िया मिलेगा जो भी मिलेगा वो अभी मुझे देना ही पड़ेगा ना देना पड़ेगा 911 दुबई फोन करना पड़ेगा मुझे हेल्प करो कुछ दुबई में 911 नहीं आता तो ये अमेरिका थोड़ी है 911 की तरह सेम कुछ तो आता होगा अच्छा एनीवे चलो जो भी आता होगा आपके मन में क्या है क्या आपके मन में क्या है बता दीजिए उसको मैं प्लेन में से धक्का मारूं स्काई डाइविंग कराऊं हां दुबई में स्काई डाइविंग का सभी इच्छा पूरी हो जाए गुस्सा भी निकल जाए और स्काई डाइविंग भी हो जाए मतलब ये अच्छा पॉइंट है वेरी गुड पॉइंट सब फ्रस्ट्रेशन जाए वो लोग सब फ्रस्ट्रेशन निकल जाए मतलब स्काई डाइविंग करोगे तो करो पर मने धक्को न मार तुम्हारा रोटला अटकी जैसे या रोटला अटक जाएगा एनीवे प्लान तो कुछ करेंगे ये बात तो चल नेक्स्ट टॉपिक है पहले तो ये बता आज शाम को क्या करने का JBR
जाने का है? जाने का है। यार थक नहीं गया है? नहीं कुछ नहीं, स्टिल एनर्जी। अभी खाया और एनर्जी आ गई। यार चाउमीन खाया, वेज नूडल्स खाया, मैंने तो दाल भात खा के मचा दिया है। अभी ये वीडियो अभी मैं एडिट करने बैठूंगा, मेरे को एक घंटे का टाइम चाहिए। हाँ है ना तेरे पास, चार बजे या पांच बजे तक हो जाएगा। चार तो हो ही गया समझना। तो यार मेरे को तो ऐसा लगता है कि यहाँ मैं चलने के लिए आया हूँ गर्मी में। वहाँ दुबई में चलना ही पड़ेगा ना। अच्छा है ना, सूरत में कुर्सी में बैठ बैठ के जो चरबा जमा गया है ना इधर, वो अभी कटेगा इधर। लगता नहीं है थोड़ा, इतना इतना सा घटेगा ना तो इतना खा लेंगे। एनीवे तो वो हम जहाँ पे खाने गए थे ना, वहाँ पे दो ऑर्डर किया, एक दाल राइस और नूडल्स ऑर्डर किया, आया नहीं। और चिराग ने, रिंकू ने, इशिता ने, हार्दिक भाई ने और मैंने लिए इतना इतना। तो वो अजीब, वहां तक पहुंचा भी नहीं, खत्म। हलो दूसरा क्या मंगा दूसरा? और वो भी वेटर भी हंसने लगा और सामने से बोला और क्या बोलो ऑर्डर। खाना तो जब सूरत में रहते हैं हम लोग, सूरती लोग को खाने का तो पहले चाहिए। एनीवे भाई अभी प्लान ये है, आप लोग वेट कीजिए कि इशिता को क्या सरप्राइज मिलने वाला है कल, गैस कीजिए। और डोबरिया हम सबको लेके जाने वाला है कहीं पे, मेरे को पता है। तू तार बहरीन पार्टी तो तारे देवान हुए, तो ये तेरे ऊपर। हाँ विचारो। वैसे तो मुझे भी पता है लेकिन कोई नहीं, मैं अपने मुंह पे सरप्राइज रखती हूँ। सरप्राइज रखो। और हाँ, डोबरिया का वॉलेट मिल गया है तो पैसे भी भर गए वापिस वॉलेट में, तो खर्च करने वाले। चलिए गैस मारते रहो और एंजॉय करते रहो। ये दुबई का ट्रिप अच्छा चल रहा है, आप लोगों को कुछ अच्छी जानकारी मिल रही हो तो ज़रूर से लाइक करके शेयर करना आप लोगों के फ्रेंड के साथ। और दुबई आने वाले हो तो थोड़ा ध्यान से आने का, और अगर ग्रुप में हो 6-7 जने के ग्रुप में तो ऊबर में और ये टैक्सी में ही ट्रैवल करो। वो क्या बोलते हैं, मेट्रो वेट्रो में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सेम ही होगा। तो अभी हम लोग कल गए थे, उसमें भी हमारा 70 जाने का 70 आने का 70-71-40 उसमें हो गया था पूरा ट्रिप। तो ये है भाई, इतना ही खर्चा हो रहा है, बाकी खाने पीने का ये सब है। तो इतर प्रवृत्ति में 10-15 हज़ार एवरी डे का 6 जनों के बीच में क्या लाए वो तो पूछो। हाँ डे टू डे में से क्या लाए भाई? डे टू डे में से क्या लाए? डे टू डे में से बच्चे की ट्रेन लाए। हाँ फिर खजूर लाए। वो मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उसको बेबी होने वाला है। अच्छा, तो उसके लिए कुछ लाए। वैसे हमें जानने को मिला था, हमारे एक सब्सक्राइबर आए थे, उन्होंने बोला कि डे टू डे में रहेगा ऐसा कि आप अफोर्ड कर पाओगे और दूसरों को देने के लिए चीज बहुत सारी आपको मिल जाएगी वहाँ। तो डे टू डे में भर लिया है, पूरा भर लिया। तेरा कितना खर्चा हो गया? 4-5 हज़ार का हो गया? 6 हज़ार का हो गया। सरस, बहुत सरस। 6 हज़ार नी चॉकलेट ली थी बोलो, खजूर वाली। कूपन भी मिली और कूपन भी हम लोगों ने किसी और को दे दी क्योंकि हमें तो यूज करनी नहीं थी, एक ही दिन के लिए क्या यूज करें। तो अभी ये वीडियो इधर एंड कर देते हैं। ओह परफेक्ट, गुड, बराबर। तू सोई जा थोड़ी बार, एक कल पार की पंचायत नहीं है, टी शर्ट है ना, पार की पंचायत। इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं, लाइक करके शेयर कर दो, कमेंट करके सब्सक्राइब नहीं तो कर दो। कल मिलेंगे बहुत बढ़िया कंटेंट के साथ। सी यू टुमारो। इसी तक के बर्थडे का सरप्राइज क्या होने वाला है वो प्रेस करते रहो। बाय बाय। तुम्हारा व्यूअर्स हमारा वेट करते हैं बर्थडे।